ओम प्रकाश राजभर के बेटे के काफिले पर हुआ हमला, यूपी की सियासत में मची खलबली। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और महासचिव अरविंद राजभर ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। अरविंद राजभर जिले के पडरौना कोतवाली के ग्राम सभा चिरहियावा में एक हत्याकांड में मृतक परिवार से शोक संवेदना प्रकट करने गए थे। अरविंद राजभर के मुताबिक पीड़िता परिवार से मिलकर निकलते समय सैकड़ों लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें गालियां दी, साथ ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुभाषपा के पदाधिकारियों ने अरविंद राजभर की सुरक्षा में भारी चूक का आरोप लगाया है। पदाधिकारियों ने कहा कि अरविंद राजभर की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर आग लगाने की कोशिश की गई। घटना को लेकर अरविंद राजभर ने एक वीडियो संदेश जारी किया। राजभर ने अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने घटना को लेकर पुलिस को बार बार सूचित किया, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्राम प्रधान के साथ 200 से 300 लोगों की भीड़ उनकी गाड़ी को घेर कर ईंट पत्थर फेंके और गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ दिया। अरविंद राजभर ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिले के पडरौना कोतवाली के चिरियावा थाना क्षेत्र के एक गांव में विश्वनाथ राजभर के परिवार से मिलकर उन्हें संतावना देने निकले थे, जिनकी गांव के ही चार लोगों ने हत्या कर दी थी। पूर्व मंत्री के मुताबिक जब से वो पीड़ित परिवार से मिलकर लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में साजिश के तहत ग्राम प्रधान की अगुवाई में 200 से 300 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ राजभर हत्या मामले में ग्राम प्रधान भी आरोपी है, हालांकि पता नहीं कैसे वो जेल से बाहर है। राजभर ने कहा कि उनकी गाड़ी को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अरविंद राजभर ने कहा कि 30 से 40 मिनट तक सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करने के बाद वे बाहर निकले हैं। अरविंद राजभर ने आरोप लगाया है कि कई ऐसे लोग थे जो कुछ भी कर सकते थे। अरविंद राजभर ने आगे कहा कि वो किसी तरह जान बचाकर वहां से निकले हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार से बात की, साथ ही उन्होंने पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और जिले के पुलिस को अधीक्षक की शिकायत भी की। आपको बता दें कि यूपी में ओम प्रकाश राजभर इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे के ऊपर हमले के कारण काफ़ी बवाल मचा हुआ है और यूपी की राजनीति में खलबली मच गई है।